अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में हूँ और आज बना रही हूँ, सॉरी आज हमारे किचन में बन रहा है आलू गोभी और चना, जो कि हमने तड़का लगा दिया है। और यहाँ पे प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है और इसमें हम डाल देंगे गोभी और थोड़ा सा 2 मिनट इसको भी ऐसे ही हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चना और आलू, जो कि चना इतना मतलब भुनने फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बट साथ में पड़ गया उसमें। और यहाँ पे ये अपना बिस्तर घड़ी कर रहे हैं और साथ में लाडो को भी उठा रहे हैं, जो कि हम मना कर रहे थे कि अभी छुट्टी हो गया है तो उसको सोने दो, मत उठाओ, क्योंकि इनका छुट्टी में भी इन्होंने फुटबॉल क्लास लगाया है, जो कि सुबह जाते हैं। तो आज ये करते हैं तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लाडो सो रही है, तो इसके लिए हम लोग छोड़ देते हैं, मान से उठेगी। हे फ्रेंड्स नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी किचन में और बना रही हूँ आज भाजी, में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बीन्स गवार भाजी था लेकिन उसको कट करने में बहुत लगता है और कल शाम को कट करने भूल गई, इसलिए अभी फटाफट फिर मैं बना रही हूँ आलू चना और गोभी, थोड़ा सा गोभी था तो उसका मैं फ्राई हो रहा है, ये भून के हो गया है। अभी मैं डालूंगी ये मसाले, थोड़ा सा हमने इसमें डाल के रखा है, और ये टमाटर, क्योंकि फ्रेंड्स लेट हो रहा था मैं काम करने के लिए, तो ये भाजी कैसा फटाक से हो जाएगा, लेकिन उसमें कैसा वो काटने में साफ करने में बहुत टाइम चला जाता था, इसके लिए फिर हम उसको स्किप कर दिए। अब उसको हम शाम में बनाएंगे, मैं बोली इस टाइम पे ये बना लेते हैं। ये हमारा भाजी, अभी मैं इसको थोड़ा सा वैसे कुकर में इतना ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, कुकर में इतना ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, कढ़ाई में सबसे ज़्यादा भूनना पड़ता है। अभी इसमें जो भी था हमने डाल दिया है, थोड़ा सा रुक के और हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा रुक के डालेंगे इसमें पानी। और रात में फ्रेंड्स भाजी वगैरह जो है लेट आया, ये हम लोगों का छील के रख दिए हैं, जो राजवीर सिंह जी, हाँ तुम भी छिले। और यहाँ पे मेथी भी डाल देंगे, ये मेथी छान के पहले रखूँगी, क्योंकि ये मेथी मैं इकट्ठा क्यों रखती हूँ एक हफ्ते का, कि इसमें जो है वो आँखा आ जाता है, मीन्स वो स्प्राउट कैसा वो अंकुरित रहता है ना वो हो जाता है, तो ये ज़्यादा फायदा करता है, इसके लिए वो हमने कर दिया है। और ये अदरक मिर्चा ये सब भी हम इसी टाइम धोए, और अदरक को कैसा भिगा देती हूँ, बहुत मिट्टी रहता है तो भिगा देते हैं तो उसका मिट्टी सब अच्छे से साफ हो जाता है, ये तो पाव के लिए मिट्टी है और मिट्टी है इसमें। तो अभी एक देखो पानी में डालने के बाद तो सारी मिट्टी जो है ये बर्तन में नीचे बैठ जाएगा, और इसको तोड़ तोड़ के ही धोना पड़ेगा, नहीं तो ये साफ नहीं जल्दी होगा। अभी इसमें डाल देंगे तो एक पानी से और साफ हो जाएगा। बस चलो 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसमें पानी नमक सब डाल दिया और अब मैं लगा देती हूँ इसको, कुकर लगा देती हूँ, तब तक ये छोड़ देती हूँ और मैं गूंद लेती हूँ। ये मैंने धो के रख दिया यहाँ पे, एक बार और इसको मैं पानी में भींगा दी कि थोड़ा जो भी मिट्टी वगैरह होगा गंदगी अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ अदरक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ हाँ खराब तो कर दिया है ये वाला, हाँ तो वही खराब कर दिए ना, रिफिल मिल जाएगा तो ला दो। और यहाँ पे ये अदरक सॉरी मिर्चा नींबू हमने धो लिया था सुबह, इसको भींगा के रखा था। अभी मैं कर लेती हूँ आटा, पहले गूंद लेती हूँ, लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग पिंचू, गुड मॉर्निंग।
सादा ही रोटी बनाएंगे हम, सब्जी के हिसाब से जैसे बनाते हैं कभी घी वाला भी, तेल का तो रोटी नहीं बनाते हम, घी जैसे घी का रोटी बनाते हैं या तो सादा बनाते हैं। तो सब्जी के हिसाब से जैसे कोड़े की सब्जी है या फिर कुछ मसाला अलग है, जैसे आज ग्रेवी है हल्का मसाला के साथ आलू गोभी चना, तो इस पे हम फुलका बनाएंगे और फिर दोपहर में इसी सब्जी के साथ हम थोड़ा सा चावल बना देंगे, फिर तो शाम को हम देखेंगे। तो अभी हस्बैंड नहा रहे हैं और मेरी लाडो जो है अभी ब्रश कर रही है, क्योंकि अभी इनका छुट्टी चल रहा है तो थोड़ा सा तो आराम से रिलैक्स से इनका करना उठना सब बनता है, क्योंकि स्कूल के टाइम में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। और अभी थोड़ा टाइम में लक्ष्मी भी आ जाएगी और बर्तन तो निकलते रहता है। तो फ्रेंड्स आप सबके यहाँ भी इतना ही बर्तन निकलता है कि मेरे यहाँ निकलता है, सच में बहुत परेशान हो जाते हैं बर्तन जब इकट्ठा नहीं। काम आप करते रहो किचन का, बट जब बर्तन की तरफ देखो ना ऐसा लगता है कि बाबा ये कैसे होगा। लड्डू हटो, हटो लड्डू। तो मेरी लड्डू भी ब्रश करके आ गई, ब्रश करो लेकिन नहीं कर रहे थे, नहीं तो अब तक मैंने दूध रेडी करके दे दी होती। इसके लिए मैंने दूध रेडी, क्योंकि उसमें फिर मलाई जमने लगता है, आप ग्लास में निकाल के रखो तो टाइम लगा रहे थे। मैं बोले चलो फिर मैं रोटी बना, क्योंकि थोड़ा ही रोटी है रोटी बना लेती हूँ, फिर इनका दूध रेडी करूंगी। और हमने अभी चाय नहीं पिया है, काढ़ा ही पिया है सिर्फ, इसके बाद फिर हम चाय बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों का थोड़ा सा काम हो गया है और अभी मैं निकाल देती हूँ नाश्ता। और यहाँ पे हमने मेथी जो भिगाया था वो छान के रख लिया है, मैं जाली पे रखा है कि इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। इसको इसके बाद ना इसको हम एयर कंटेनर में अच्छे से पैक करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें से मीन्स वो आँखा निकलता है जो अंकुरित होता है वो निकलता है, तो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से, ज्यादा सही रहता है। हम कब खाएंगे? हम खाने वाला थोड़ी जूस बनाने वाला है, जूस बनाऊंगी शाम में, वही बनाती हूँ ना, आमरस बनाती हूँ, पूरी बनाती हूँ। खाना जल्दी से, खाना जल्दी से, बोल रहा हूँ भूख लगा है। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम, जस्ट हमने चाय पिया, चाय बिस्किट खाया जिसको जो खाना था। और इस टाइम पे मैं बनाने, बहुत छोटा सा आज का ब्लॉग है, शाम को मैं बनाने वाली हूँ आम रस और पूरी, दो मिनट लड्डो, आम रस और पूरी। राज इधर थोड़ा सा ले लो, हाँ। तो जिसको जिसको आम रस पूरी खाना है आ जाइए हमारे घर पे, मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा वीडियो जो है वो वायरल आप सब कर दीजिए, तो अगर आप सब वायरल करते हैं मेरी वीडियो को तो मैं सबको आम रस और पूरी खिलाने वाली हूँ, जो कि मुझे नहीं पसंद है आम रस पूरी, एक कभी नहीं पसंद है, आम बहुत पसंद है बट आम रस पूरी ऐसा ऐसा नहीं पसंद है। तो जो हमने मसाला वाला सब्जी बनाया है ग्रेवी वो हम पूरी से खाएंगे, बाकी सब लोग पता नहीं क्या खाएंगे। आम रस पूरी कभी खाए हो लड्डू? आम रस पूरी खाया है कभी? मैं खाया हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ना, मुझे मालूम है। तो मुझे लग रहा है सब्जी से ही खाना पड़ेगा, बट देखती हूँ अगर आम रस पूरी वैसे सब लोग नहीं खाएंगे तो मैं थोड़ा सा जूस टाइप बना दूंगी पीने के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा बड़ा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतना सारा मतलब नहीं, व्यूअर्स हमारे इतने सारे नहीं हैं, सो लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग हमारे वीडियोस को देखते नहीं हैं, बट मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ कि ऊपर वाले कब तक परीक्षा लेते हैं। और ये वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी, क्योंकि ये वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं रखूँगी। और अगर अगर नहीं आप सबको अच्छा नहीं लगता फिर भी आप सब लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज प्लीज। मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। मैं की तरफ से कह रही हूँ, आपको पसंद आए नहीं पसंद आए लाइक करो मत करो, हम लोग का कुछ नहीं होता, अच्छा लग रहा तो करो वरना मत करो। आपकी नहीं, इसकी बात मत मान, यही होगा यहाँ से। नहीं लाडो, अच्छा नहीं लगता तुम मत करो, मैं ये नहीं बोलूंगी, नहीं लाडो। आप सब प्लीज मेरे इसमें नहीं, नीचे ठीक है लाडो रख दो, प्लीज लाइक किया करिए, अच्छा लगता है नहीं लगता है चलो कभी कभार तो ठीक है, प्लीज सपोर्ट करिए आप सब, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए,
और प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए गाइस, सपोर्ट करिए, थैंक यू सो मच। जितने लोग भी अभी तक जुड़े हैं, जितने लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, देखते हैं, उसको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। मम्मी बिग बॉस में इनमें इसके लिए उनको सपोर्ट कीजिए, क्या मैं बोलूँ, सपोर्ट करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।